अच्छे कलाकार, जी हाँ दोस्तों, जो अच्छे कलाकार होते हैं वो 90% गाने इसी कॉर्ड से बजाते हैं, जो कॉर्ड मैंने अभी आपके सामने प्रेस किया है। दोबारा से देखिएगा, यानी कि 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3, तीनों बटनों को एक साथ में प्रेस करते हैं तो ये हमारा कॉर्ड बन जाता है सी शार्प माइनर। देखिएगा दोस्तों, 90% जो कलाकार होते हैं, जो अच्छे कलाकार होते हैं, वो 90% गाने इसी कॉर्ड से बजाते हैं। ये कॉर्ड इतना मायने रखता है और इतना पावरफुल है। यदि आज आप इस वीडियो के अंदर इस कॉर्ड को समझ जाएंगे, इस कॉर्ड की जो फैसिलिटी है उसको समझ जाएंगे, तो दोस्तों आप भी 90% गाने इस कॉर्ड के द्वारा बजा सकते हैं। कैसे बजाएंगे, इस वीडियो के अंदर सारी डिटेल्स आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ। यदि आप इस डिटेल्स को समझ लेते हैं, इसको फॉलो करते हैं, इस पर अमल करते हैं, तो डेफिनेटली 100% गारंटी देता हूँ कि आप भी इस कॉर्ड के ज़रिए 90% गाने आसानी से बजा सकते हैं, अपने पियानो पर या फिर अपने हारमोनियम पर। कुछ भी कठिनाई आपको नहीं होगी। तो दोस्तों वो सब कैसे होगा, चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर इस कॉर्ड की डिटेल्स आपको किस तरह से समझनी है, यानी कि मैंने आपको कॉर्ड बताया सी शार्प माइनर, यानी कि 1, 2 एंड 3 सी शार्प माइनर। इस कॉर्ड की डिटेल्स आप कैसे समझेंगे, सबसे पहले आपको समझना होगा राग शिव रंजनी के 5 स्वर। कुछ नहीं समझना है, इतना सिंपल है कि बहुत ही ज़्यादा आसान है। सिर्फ आपको 5 स्वर समझने हैं, यानी कि सा रे गा पा धा। सिर्फ ये 5 स्वर, यही 5 स्वर इस कॉर्ड के साथ में मैच होते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो राग शिवरंजनी का 5 स्वर का जो कॉर्ड होता है वो सी शार्प माइनर, जो अभी मैंने आपको बताया 1, 2 एंड 3, ये कॉर्ड समझिएगा। इसके बाद केवल आप 5 स्वर समझिएगा और कुछ नहीं समझना है। इन्हीं की मदद से आप 90% गाने निकालोगे अपने आप। जी हाँ दोस्तों, दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर मैं आपको कुछ गाने भी प्ले करके दिखाऊंगा, जिससे आपको अच्छे से पता चलेगा और अच्छे से आप समझ जाएंगे कि हाँ, इस कॉर्ड की मदद से हम 90% गाने कैसे बजा सकते हैं, सब कुछ समझ जाएंगे आप। तो दोस्तों सबसे पहला काम जो मैंने अभी आपको बताया है कि इस कॉर्ड को समझने के बाद दूसरा जो काम है, पहला काम तो आपको कॉर्ड समझना है, दूसरा जो काम है वो आपको स्वर समझने हैं, राग शिवरंजनी के 5 स्वर, केवल 5 स्वर। ये हमारा बीच वाला सप्तक है। यहाँ पर यहाँ से देखिएगा, पहली काली से सा रे गा पा धा, यानी कि यहाँ पर ये गा हमारा कोमल यूज़ होना है, बस कुछ नहीं आपको समझना है इसके अलावा। सा रे गा पा और धा, ये बीच वाले सप्तक में आपने 5 स्वर समझ लिए। इसी तरह से आप मंद्र सप्तक में 5 स्वर समझिएगा, सा रे गा पा धा। इसी तरह से आप तार सप्तक में समझिएगा, सा रे गा पा धा। यानी कि इस तरह से आप अपने हारमोनियम या फिर अपने पियानो के अंदर तीनों सप्तक में ये स्वर समझिएगा, बहुत आसान है। जब एक में आपने समझ लिए तो ये मान लीजिएगा आपने तीनों सप्तक में समझ लिए। अब दोस्तों ये तीनों सप्तक में मैंने स्वर आपको क्यों बताए हैं, क्योंकि कभी कभी किसी गाने के हिसाब से हमको ज़रूरत पड़ जाती है कि मंद्र सप्तक में भी स्वर यूज़ करने पड़ते हैं, और कभी कभी कोई कोई स्वर हमको तार सप्तक में भी यूज़ करने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको राग शिवरंजनी के स्वर की डिटेल बता रहा हूँ और कॉर्ड मैंने आपको सी शार्प माइनर बताया है। तो दोस्तों इतना डिटेल समझने के बाद अब देखिएगा, कुछ गाने आपको एग्जाम्पल के तौर पर प्ले करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहला यहाँ पर गाना मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ, तुमसे मिलकर ना जाने क्यों और भी कुछ याद आता है। दोस्तों यदि आप इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखेंगे, कहीं पर भी स्किप ना करेंगे, तो 100% गारंटी देता हूँ कि आप यहाँ पर 90% गाने इजीली बजाएंगे, अपने आप बजाएंगे, ये रियल है। देखिएगा दोस्तों, Thank you.
दोस्तों ये गाना मैंने अभी आपको प्ले करके दिखाया, ये राग शिवरंजनी के अंदर है। सभी नोट्स इसमें जो यूज हुए हैं वो राग शिवरंजनी के हुए हैं। भले ही मध्य सप्तक से घटकर मंद्र सप्तक में नोट आ गए हों, लेकिन नोट वही हैं जो मैंने अभी आपको बताए, पांच स्वर, कुछ नहीं इसके अलावा आपको समझना है, पांच स्वर को ही लेकर के चलना है। दोस्तों एक बात और बताना चाहूँगा, राग शिवरंजनी के अंदर पांच स्वर तो मैंने आपको बताए हैं, लेकिन एक बात और समझना होता है, कभी कभी यहाँ पर किसी गाने के बोल के हिसाब से यहाँ पर दोनों का यूज हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, यानी कि कोमल गा तो हमने आपको बताया, ये हमारा शुद्ध गा है, ये भी यूज में आ जाता है कभी कभी किसी गाने के बोल के हिसाब से। और जब ये बटन यूज होता है तो उस बोल के अंदर बहुत ज़्यादा मिठास आ जाती है। जी हाँ दोस्तों, तो देखिएगा पहला एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर देना चाह रहा हूँ, उसके बाद आगे और भी एग्जांपल दूंगा जिससे आप आसानी से समझ जाएंगे। देखिएगा दोस्तों, तुमसे मिलकर ना जाने क्यों, तुमसे मिलकर ना जाने क्यों, और भी कुछ याद आता है, आज का अपना प्यार नहीं है, आज का अपना प्यार नहीं है, जन्म का देखा दोस्तों, यहाँ पर मैंने इस गाने को प्ले किया राग शिवरंजनी के अंदर, वही कॉर्ड यूज हुआ और सी शार्प यानी कि पहला बटन, पहली काली और गाने का पहला बोल इसी नोट से शुरू हुआ। इसको हमने सा माना, सा पर से ही ये गाना शुरू हुआ और सा पर ही इस गाने का बोल ख़त्म हुआ। तो दोस्तों यहाँ पर एक बात और आपको समझना होता है कि ज़रूरी नहीं हर एक गाना सा नोट से ही स्टार्ट हो, कभी कभी ऐसा होता है कोई कोई गाना हमारा पा नोट से भी स्टार्ट हो जाता है, कोई कोई गाना धा नोट से भी स्टार्ट हो जाता है, ज़रूरी नहीं है, कोई कोई गाना गा नोट से भी स्टार्ट हो जाता है, हर एक नोट से गाना शुरू हो सकता है। लेकिन जिस नोट से गाना शुरू हो रहा है उसी नोट से आपको शुरू करना है। एक बात यहाँ पर और समझना होगा, जो यहाँ पर मैं राग शिवरंजनी के नोट्स आपको बता रहा हूँ और 90% गाना निकालने की ट्रिक बता रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि इस राग के अंदर जितने भी गाने बजाए जाते हैं, जितने भी गाने इसके अंदर होते हैं, वो सभी सैड सॉन्ग होते हैं, यानी कि दर्द भरे सॉन्ग होते हैं। इस गाने की, इस राग की ये फैसिलिटी है। अब दोस्तों यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए दूसरा गाना आपको प्ले करके दिखाता हूँ। दूसरा गाना है दिल के झरोके में तुझको बैठा कर, यादों को तेरी में दुल्हन बनाकर, रखूंगा मैं दिल के पास, मत हो मेरी जान उदास। ये भी गाना काफ़ी ज़्यादा फेमस है, पुराना गाना है, मोस्टली लोगों ने ये गाना सुना ही होगा। तो देखिएगा दोस्तों एक बार, दिल के झरोके में तुझको बैठा कर, यादों को तेरी में दुल्हन बनाकर, रखूंगा मैं दिल के पास, मत हो मेरी जान उदास। दोस्तों ये गाना भी मैंने यहाँ पर प्ले किया, ये गाना भी राग शिवरंजनी के अंदर है। दोस्तों राग शिवरंजनी के अंदर जो गाने आपको प्ले करके दिखा रहा हूँ, यदि आप इस तरह से गाने प्ले करना जान जाते हैं, सीख जाते हैं, तो जितने भी राग शिवरंजनी के अंदर गाने हैं वो सभी गाने आप अपने आप प्ले कर सकते हैं, क्योंकि बटन वही यूज होते हैं। सिर्फ आपको समझना ये होता है कि कौन से बटन से गाना शुरू हो रहा है। और दोस्तों डीप में आपको एक बात और समझाना चाहता हूँ कि आपको अपने आप गाना निकालने के लिए, राग तो आप समझ गए इजीली क्योंकि आपने केवल पांच बटन को सीखना है, पांच बटन सीखने के बाद आपने राग समझ लिया, लेकिन अब अपने आप गाना कैसे निकालेंगे, कुछ लोगों का ये भी सवाल रहता है। जो बिगिनर्स होते हैं वो ये भी कहते हैं कि सर राग तो हमने सीख लिया, लेकिन अपने आप गाना शुरू कैसे करें, कहाँ से करें, तो ये भी दिक्कत होती है। तो उसके लिए दोस्तों जैसा मैंने अभी यहाँ पर सेकंड वाला गाना आपको प्ले करके दिखाया है, दिल के झरोके में तुझको बैठा कर, तो मैंने ये गाना यहाँ से यानी कि इस नोट से शुरू किया। तो आपको एक बात और समझना है कि अपने आप से गाना निकालना चाहते हैं तो कई वीडियोज़ के अंदर मैंने बताया है कि गाने को अच्छे से सुनिएगा, समझिएगा, उसके बोल सुनिए, उसकी धुन सुनिए और अपने दिमाग में अच्छे से बैठाइए, उसके बाद आप राग के जो स्वर हैं उनको समझने के बाद गाना इजीली निकाल सकते हैं।
और एक बात और समझना पड़ता है कि यहाँ पर जैसे गाना इस बटन से शुरू किया जा रहा है, तो इस बटन पर जो हमारा गाने का बोल है यानी कि गाने की जो लाइन के बोल हैं वो कितनी बार इस बटन पे जा रहे हैं, कितनी बार इस पे जा रहे हैं, और कितनी बार यहाँ पे रुकना पड़ रहा है, कितनी बार यहाँ पे, यानी हर एक बटन का आपको फंडा समझना है। देखिएगा, एग्जांपल आपको दे देता हूँ, समझ जाएंगे। यहाँ से देखिएगा, जैसे जो सेकंड वाला गाना अभी मैंने प्ले किया, उसका जो पहला बोल है, दिल के झरोके में तुझको बिठाकर, देखिएगा, दिल के झरोके में तुझको बिठाकर, यानी कि कई बार इस वाले बटन पर बोल आ रहा है तो उतनी बार ही आपको बिठाना है। देखिएगा, दिल के झरोके में तुझको बिठा कर, अगला बोल आगे जा रहा है कर, दिल के झरोके में तुझको बिठा कर, इसी तरह से अगली लाइन है, यादों को तेरी मैं दुल्हन बना कर, यादों को तेरी मैं दुल्हन बना कर, अगली लाइन, रखूंगा मैं दिल के पास, रखूंगा मैं दिल के पास, मत हो मेरी जान उदास। दोस्तों, नोट वही यूज हो रहे हैं राग शिव रंजनी के, कोई भी एक्स्ट्रा नोट, किसी और राग का नोट यहाँ पर यूज़ नहीं हो रहा है। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपको एग्जांपल के लिए तीसरा गाना भी प्ले करके दिखाता हूँ, ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ कि हाँ, ये पांच स्वर और ये कॉर्ड समझने के बाद हम किस तरह से 90% गाने बजा सकते हैं। तो देखिएगा तीसरा गाना, इस तरह से दोस्तों मैंने यहाँ पर ये गाना प्ले किया। ये गाना भी राग शिव रंजनी के अंदर है और ये गाना भी सैड सॉन्ग है, दर्द भरा गीत है। तो दोस्तों इस तरह से यहाँ पर आप लाखों गाने बजा सकते हैं, लेकिन वही गाने जो इस राग के अंदर होंगे वही गाने यहाँ पर आप बजा सकते हैं। हर एक राग के अंदर लाखों लाखों गाने होते हैं, लेकिन उन गानों को जब ही बजाया जा सकता है जब उस राग को हम सीख जाते हैं, क्योंकि उस राग से रिलेटेड जो गाने होंगे वो उस राग के अनुसार ही हम बजा सकते हैं। तो तीसरा जो गाना मैंने अभी आपको प्ले करके दिखाया था, प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा, प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा, तू किसी और से मिलने के बहाने आजा, तू किसी और से मिलने के बहाने आजा, आजा तो दोस्तों इस तरह से मैंने यहाँ पर कुछ गाने आपको एग्जांपल के लिए प्ले करके दिखाए, ताकि आप अच्छे से समझ जाएं कि इस कॉर्ड की मदद से और इन पांच स्वरों की मदद से जो मैंने आपको बताए हैं किस तरह से आप 90% गाने बजा सकते हैं, जो बड़े बड़े कलाकार, जो अच्छे अच्छे कलाकार बजाते हैं। सो आई होप कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करना, चैनल पर नए हैं पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल वाले बटन पर ज़रूर क्लिक करना, ताकि हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे सबसे पहले। दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपना नाम एंड अपने सिटी का नाम ज़रूर लिखा करें, ताकि हमें पता चल सके हमारी वीडियोज़ कौन कौन देखते हैं और कहाँ कहाँ से देखते हैं। दोस्तों हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्यार और सपोर्ट दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर ट्यूटोरियल बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, तो इतना तो बनता है कि आप हमें अच्छे से सपोर्ट कर सकते हैं और अच्छे से अपना प्यार दे सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।